आप लोग देखते होंगे कि जो वर्ष दिवस और सप्ताह के रूप में मनाए जाते हैं तो उनसे भी आपकी परीक्षाओं में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर चाहे आपकी सिविल सर्विस की बात कर लीजिए स्टेट पी की बात कर लीजिए या राज्यों में भी तमाम एग्ज़ाम होते हैं और सेंट्रल स्तर पर भी आप देखते हैं कि तमाम एग्जाम होते हैं तो इनकी आप लोगों को थीम याद रखनी है किस दिन को किस रूप में मनाया जाता है उसे भी डेट को भी याद रखिएगा जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये पंद्रह मई को मनाया जाता है कब पंद्रह मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या रखी गई है परिवार और शहरीकरण इस बार की थीम रखी गई है विषय है अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं आठ मई को मनाते हैं कब आठ मई को मनाया जाता है और इस बार की थीम रखी बी अवेयर शेयर केयर वर्किंग विथ द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रोव थैलेसीमिया नॉलेज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये चौदह मई को मनाया जाता है और यह यह दिवस वर्ष में दो बार मई और अक्टूबर माह के दूसरे सामान्यवार को मनाया जाता है ये जरूर आप लोग याद रखिएगा इस बार चौदह मई को मना है ये और मुख्य विषय है टू फोकस ऑन लाइट पॉल्यूशन विश्व रेड क्रॉस दिवस ये आठ मई को मनाते हैं कब आठ मई को और आप देखेंगे कि इस बार की है बी ह्यूमन काइंड इस बार की थीम रखी गई विश्व अस्थमा दिवस तीन मई को मनाया गया है और यह दिवस प्रतिम वर्ष मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है इस बार मंगलवार तीन तारीख को पड़ा था और इस बार की थीम रखी गई क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर विश्व परेश स्वतंत्रता दिवस तीन मई को मनाया जाता है और इस बार की थीम रखी गई है डिजिटल घेराबंदी में पत्रकारिता इंटरनेशनल गर्ल्स इन आई सी टी डे ये अट्ठाईस अप्रैल को और इस बार की थीम रखी गई है पहुंच और सुरक्षा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये 26 अप्रैल को मनाते हैं और मुख्य विषय है इसका आईपी एंड यूथ इनोवेशन फॉर ए बेटर फ्यूचर विश्व टीकाकरण सप्ताह ये 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया गया है और मुख्य विषय रखा गया है लॉन्ग लाइफ फॉर आल विश्व मलेरिया दिवस चौबीस पच्चीस अप्रैल को मनाया गया है विश्व मलेरिया दिवस और इस बार की थीम रखी गई मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें विश्व पृथ्वी दिवस बाईस अप्रैल को मनाया जाता है इन्वेस्ट इन आवर फ्ला इस बार की थीम रखी गई है विश्व हीमोफेलिया हीमोफीलिया ये सत्रह अप्रैल को मनाया गया है इस बार की थीम रखी गई एस एस फॉर आल पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस विश्व विरासत दिवस ये आप सभी जानते हैं कि अट्ठारह अप्रैल को मनाया जाता है कौ अट्ठारह अप्रैल को मनाया जाता है इस बार की थीम रखी गई विरासत और जलवायु विश्व औटिज में जागरूकता दिवस दो अप्रैल को मनाया जाता है इस बार की थीम रखी गई सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विश्व रंगमंच दिवस ये सत्ताईस मार्च को मनाया जाता है इस बार इस दिवस का संदेश यूएसए के प्रसिद्ध ओफेरा थिएटर और फेस्टिवल डायरेक्टर पीटर सेलर्स ने दिया था और विश्व क्षय रोग दिवस जिसे टी कहते हैं आप लोग ये चौबीस मार्च को कव? 24 मार्च को मनाई गई और टीवी को समाप्त करने हेतु निवेश करें इस बार की थीम रखी गई जीवन बचाएं अप्रैल 2021 में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बड़गांव जिला टीवी मुक्त घोषित हुआ है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की सड़सठवीं बैठक में पीती वर्ष पांच अक्टूबर को इस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस आप देखिए पांच अक्टूबर को मनाया जाएगा अर्थ ओवर डे या भी हैं देखेंगे 26 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को इसकी थीम रखी गई पूर्व चेतावनी और शीघ्र कार्यवाही विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को इस बार की थीम क्या रखी गई है भू जल आदर्श को दृश्य बनाना अंतर्राष्ट्रीय वन बन दिवस इक्कीस मार्च को और इस बार की थीम रखी गई वन सतत और उत्पादन एवं उपभोग राष्ट्रीय टीकाकरण सोलह मार्च को मनाया गया है वैक्सीन वैक्सीनेज वर्क फॉर हैल इस बार की थीम रखी गई विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस पंद्रह मार्च को फेयर डिजिटल फाइनेंस इस बार की थीम रखी गई है विश्व किडनी दिवस दस मार्च को और मार्च माह का दूसरा दूसरे गुरुवार को आप लोग विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाते हैं किडनी हेल्थ फोर इस बार की थीम रखी गई है क्या रखी गई है थीम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च को मनाया गया है और मुख्य विषय है जेंडर इक्वालिटी टू डे फोर ए सस्टेनेबल टू अंगली महिला जजों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मार्च को मनाया गया है और जस्टिस विथ ए जेंडर परसेपैक्टिव इस बार की थीम रखी गई है दसवा विश्व श्रवण दिवस तीन मार्च को मनाया गया है जीवन भर जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुनना इस बार की थीम रखी गई विश्व वन्यजीव दिवस तीन मार्च को और इस बार की थीम रखी गई रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेसन और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं इस बार की थीम रखी गई सतत सतत भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में एक एक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इक्कीस फरवरी को मनाया गया है और मुख्य विषय बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग उपयोग चुनौती चुनौतियां और अवसर इस बार की थीम रखी गई विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये बीस 20 फरवरी 2022 को और इस बार का थीम रखा गया है औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना विश्व रेडियो दिवस तेरह फरवरी 2022 को और मुख्य विषय रखा गया है रेडियो विश्व विश्वास विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ग्यारह फरवरी दो को मनाया गया है और मुख्य विषय रखा गया है इक्विटी एक्वार्ट, डाइवर्सिटी एंड इनक्लूजन वाटर यूनिटी आस ठीक है पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस चार फरवरी को और इस बार की थीम रखेगी भविष्य के लिए एक मार्ग विश्व कैंसर दिवस चार फरवरी को और थीम क्या रखी गई है 2022 से 2024 तक इस दिवस दिवस का मुख्य थीम है क्लोज द केयर गैप विश्व भूमि दिवस दो फरवरी को इस बार की थीम है लोगों प्रकृति के लिए भूमि कार्रवाई विश्व विश्वकोष्ठ रोग दिवस तीस जनवरी को यह दिवस प्रति वर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है इस बार तीस जनवरी को मनाया गया तो यह भी याद रखिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पच्चीस जनवरी को इस बार की थीम रखी गई है ग्रामीण समुदाय केंद्रित पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस चौबीस जनवरी को चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इस बार की थीम रखी गई है पराक्रम दिवस तेईस जनवरी को केंद्र सरकार ने 2021 में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को प्रतिवर्ष इस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को अब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं यह दिवस प्रसिद्ध समाज सुधारक दार्शनिक विचारक स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी दो हजार जनवरी 1915 को महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाते हैं वीर बाल दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के जी के विकास पर्व के अवसर पर साहिब ज्यादा जोरावर सिंह और साहिब ज्यादा फतेह सिंह की शहादत की स्मृति में प्रतिवर्ष वर्ष छब्बीस दिसंबर को इस दिवस को रोम में मनाने की घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ग्यारह दिसंबर याद रखिये दो की थीम रखी गई है नागरिक दिवस दिसंबर को 2021 से 23 तक इस दिवस की मुख्य थीम है वैश्विक विमानन विकास हेतु नवाचार का उन्नयन विश्व मृदा दिवस पांच दिसंबर को मृदा लवनीकरण को रोकें मृदा उत्पादकता को बढ़ाएं इस बार की थीम रखी गई है, है, है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस तीन दिसंबर दो को और इस बार की मुख्य विषय रहा है लीडरशिप एंड फार्टिसिपेशन ऑफ परसन एंड डिसबिलिटी टू वर्ड्स वर्ड एन इनक्लूसिव एक्सेबल एंड सस्टेनेबल फोस्ट कोविड नाइन्टीन वर्ल्ड विश्व एड्स दिवस एक दिसंबर को मनाते हैं और मुख्य विषय है असमानताओं को खत्म करना एड्स को समाप्त करना महामारी को समाप्त करना इस बार की थीम रही है दो हजार इक्कीस की अंतर्राष्ट्रीय महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस ये पच्चीस नवंबर को ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाव इस बार की थीम रखी गई शांति एवं विकास हेतु विज्ञान दिवस ये दस को वर्ल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटी जिस बार की थीम रखी गई है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस दो नवंबर आयुष मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष धनवंतरी जयंती धनतेरस के अवसर पर दिवस मनाने की घोषणा की है और पोषण के लिए आयुर्वेद मनाता है वो पोषण के लिए आयुर्वेद इस बार की थीम रखी गई विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है हर बच्चे के लिए एक बेहतर शिक्षा बेहतर भविष्य इस बार की थीम रखी गई है हर बच्चे के लिए बेहतर भविष्य विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को और इस बार की विषय क्या रखी गई थीम शौचालयों को महत्व देना विश्व मधुमेह दिवस चौदह नवम्बर को विषय है दो से तेईस एक्सेस टू डायबिटीज केयर विश्व शहर दिवस ये इकतीस अक्टूबर को जलवायु लचीलेपन हेतु शहरों का अनुकूलन इस बार की थीम रखी है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को 21 अक्टूबर 2021 को यूएन डे कंसर्न 2021 का आयोजन किया गया जिसका मुख्य विषय है वर्ल्डिंग बैक वर्ल्डिंग बैड बैक टूगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी इस बार की थीम रखी गई है विश्व शिक्षक दिवस पाँच अक्टूबर को शिक्षा बहाली के केंद्र में शिक्षा इसकी थीम रखी गई विश्व पर्यावरण दिवस चार अक्टूबर को अक्टूबर अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार के रूप में इसे मनाते हैं पाँच चार अक्टूबर को इस बार पड़ी है और इस बार की थीम है कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर 2021 को सितंबर माह का अंतिम गुरुवार के रूप में मनाते हैं इस बार को इक्कीस सेप्टेंबर को पढ़ा है सी फेयर फेरेस एट द कोर ऑफ शिफिंग फ्यूचर इस बार की थीम रखी गई है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2021 हज़ार इक्कीस समावेशी विकास के लिए पर्यटन इस बार की थीम रखी है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर 2021 21 सितंबर 2021 हज़ार इक्कीस को थीम रखी गई है और आप देखेंगे कि इसका मुख्य विषय क्या है थीम क्या है रिकवरिंग बेटर फॉर इक्वल टेबल एंड सस्टेबल वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 18 सितंबर 2021 को यह दिवस प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया गया इस बार 18 सितंबर को पड़ा और मुख्य विषय है कीव ट्रस्ट इन विन एंड नॉट द ओशियन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये दस सेप्टेंबर को मनाया जाता है इस बार की थीम रखी गई है कार्रवाई के माध्यम से उम्मीद उत्पन्न करना नीले आसमान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस सात सेप्टर दो को स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह इस बार की थीम रखी गई है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस आठ सेबर दो को लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नरिंग द डिजिटल डिवाइड विभाजन विभिषका स्मृति दिवस केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की है राष्ट्रीय भाला फीक दिवस एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सात अगस्त को इस दिवस को मनाने की घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2021 को ट्रांसफॉर्मिंग फोर्ड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड फिल हेल्थ इस बार की थीम रखी गई है विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई 2021 को मुख्य विषय हेपेटाइटिस कैंट वेट इस बार की थीम है विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई 2021 को स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस इस बार की थीम है विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2021 को मुख्य विषय है रिमिजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडमिक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई 2021 को यह दिवस प्रति वर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है और मुख्य विषय है एक साथ बेहतर का पुनर्निर्माण पंद्रहवा सांख्यिकी सांख्यिकी दिवस उनतीस जून दो को मनाया गया है और एस डी जी टू भुखमरी को समाप्त करना खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना इस बार की थीम है मादक द्रव्य दुरुपयोग अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये छब्बीस जून दो को मनाया गया और नशीली दवाओं के बारे में तथ्य साझा करें जीवन बचाएं इस बार की थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को कल्याण के लिए योग इस बार की थीम रखी गई है विश्व शरणार्थी दिवस ये बीस जून 2021 को इस बार की थीम है एक साथ हम स्वस्थ हों और सीखें एवं चमक बिखेरें विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी इस बार की थीम रखी गई है विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून और मुख्य विषय रक्तदान करें विश्व की धड़कनों को जीवित जीवित रखें इस बार की थीम है अंतरराष्ट्रीय एलवी निज रंजकहीनता जागरूकता दिवस तिथि 13 जून 2021 को सभी बाधाओं से शक्ति विश्व महासागर दिवस 8 जून 2021 को महासागर जीवन और अजीव का इस बार की थीम है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2021 को खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार इस बार की थीम है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को और री इमेजिंग रिक्रिएट री रीस्टोर इस बार की थीम है मेजबान देश है पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जैवि विविधता दिवस बाईस मई दो को हम समाधान का भाग इस बार की थीम है अन्य प्रमुख वर्ष हैं मोटी अनाज वाली फसलों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2022 राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 22 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस उनतीस अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जेनोवेल आपदा स्मृति दिवस छब्बीस अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस पच्चीस अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस चौबीस अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉर्फीराइड दिवस तेईस अप्रैल को और 2022 में विश्व पुस्तक राजधानी शहर ग्वाडोल जारा मैक्सिको है विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल विश्व अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ग्यारह अप्रैल विश्व डाउन सेंडोम दिवस इक्कीस अप्रैल मार्च विश्व कविता दिवस 21 मार्च क्या 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च सौन्य भेदभाव दिवस 1 मार्च सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 फर जनवरी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह दस से सोलह जनवरी विश्व बल दिवस चार जनवरी राष्ट्रीय सुशासन दिवस पच्चीस दिसंबर किसान दिवस तेईस दिसंबर ये दो हजार इक्कीस के आ गए हैं ठीक है याद रखिएगा पाँचवा सिद्ध दिवस तेईस सेप्टंबर तेईस दिसंबर और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस चौदह दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस चार दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस दो दिसंबर बारहवा भारतीय अंगदान दिवस सत्ताईस नवंबर विश्व मत्स्य मत्स्य दिवस इक्कीस नवंबर वर्ल्ड टेलीविजन डे इक्कीस नवंबर विश्व दर्शन दिवस अठारह नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहयोगता दिवस सोलह नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस सोलह नवंबर को ठीक है तो ये भी याद रखना है आपको एक कुछ है आपके लोक सेवा प्रसारण दिवस बारह नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस नौ नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस पाँच नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये छब्बीस नवम्बर और राष्ट्र संविधान दिवस छब्बीस नवम्बर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ग्यारह नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ये नौ नवम्बर राष्ट्रीय एकता दिवस इकतीस एक अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस तेईस अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पंद्रह अक्टूबर राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस तेरह अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस दस अक्टूबर विश्व डाक दिवस नौ अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय महिला अहिंसा आहिस... अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दो अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस एक अक्टूबर प्रथम अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस ये अठारह सेप्टेंबर अठारह सेप्टेंबर विश्व बांस दिवस या 18 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर हिंदी दिवस 14 सितंबर विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त विश्व अंगदान दिवस अंगदान दिवस 13 अगस्त विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस उनतीस जुलाई कारगिल विजय छब्बीस जुलाई विश्व शतरंज दिवस बीस जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस सत्रह जुलाई मलाला दिवस बारह जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और आप देखेंगे कि राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस ए दस जुलाई अंतर्राष्ट्रीय क्षुद ग्रह दिवस 30 जून अंतर्राष्ट्रीय ऊटकटिबंधीय दिवस 29 जून विश्व दुग्ध दिवस 1 जून वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई और थायराइड विश्व थायराइड दिवस 25 मई विश्व कछुआ दिवस 23 मई और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई ये आपके 2021-22 में जो दिवस मनाए गए हैं जिस रूप में उनके बारे में एक ओवरव्यू एक से दो बार आप लोग देखिएगा रिवीजन के पॉइंट व्यू से निकल जाएगा ठीक है